आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें वेस्कुलर सप्लाई, न्यूरो सप्लाई के अलावा हम लिम्फेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई समझने के लिए इसकी एम्ब्रियोलॉजी का आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसकी ब्लड सप्लाई है ना वो इसकी एम्ब्रियोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। अब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना वो एम्ब्रियोलॉजिकली प्रिमिटिव गट से आया है, ठीक है, जो कि एंडोडर्म से बनती है, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, कह सकते हैं। प्रिमिटिव गट के आगे तीन पार्ट्स हैं, फोर गट है, मिड गट है और हाइंड गट है, ठीक। अब जो फोर गट है ना वो इसोफेगस, स्टमिक, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, उसके अलावा जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास के सुपीरियर पार्ट को ओरिजिनेट करती है, ठीक है। यही वजह है कि जो फोर गट के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सेम ब्लड सप्लाई होगी, ठीक है। और वो कहाँ से आएगी, वो सीलिएक ट्रंक से आएगी जो कि खुद एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच है। अब देखेंगे यहाँ सिर्फ पेंक्रियास का सुपीरियर पार्ट है, इसी वजह से पेंक्रियास के सुपीरियर पार्ट की ब्लड सप्लाई डिफरेंट है बाकी इसके स्ट्रक्चर से, ठीक। मिड गट की बात करते हैं तो मिड गट जो है वो डिस्टल ड्यूडिनम को अराइज करेगी, और जो ड्यूडेनम की डिवीजन है ना प्रॉक्सिमल ये डिस्टल, ये वहां से है जहां पर इसमें हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट में ओपन होना है, ठीक। तो जहां जिस पॉइंट पर आकर हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी उससे ऊपर वाली प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम जो कि फोर गट में आएगी, उससे नीचे वाली डिस्टल ड्यूडेनम जो कि मिड गट में आएगी, ठीक है। उसको जेजुनम, आइलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन तक को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक। उसके बाद जो हाइंड गट है वो बाकी की गट को, यानी कि डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड, ठीक है, रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल तक करती है। जो लोअर पार्ट है उसकी पर डिफरेंट ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कौन कलेक्टिवली सप्लाई कर रहा है, हाइंड गट को? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इस पिक्चर से देखिए कि ये एओर्टा है, ठीक है, ये डिस्टली, पोस्टीरियर का मतलब है कि डिस्टली प्रेजेंट होगी और आगे की तरफ जो है यानी कि डॉर्सली एओर्टा होगी और वेंट्रली गट डेवलप होगी। यही वजह है कि रिलेशनशिप देखेंगे तो इंटेस्टाइन आगे होती है और उसके पीछे एओर्टा लाई करता है, ठीक है। वहां से सीलिएक ट्रंक जो है वो फोर गट में जा रहा है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मिड गट को सप्लाई कर रही है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट को सप्लाई कर रही है। एब्डोमिनल एओर्टा की बात करते हैं तो ये थोरेसिक एओर्टा की कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। एब्डोमिन में कहाँ इंटर होती है, उसे कहते हैं एओर्टिक हाइएटस ऑफ डायफ्राम, यानी कि क्योंकि डायफ्राम थोरिक्स और एब्डोमिन के दरमियान की डिवीजन है, इसी वजह से जब एओर्टा ने इसको पास करना है तो इस डायफ्राम के अंदर इसकी ओपनिंग मौजूद है जिसका नाम है एओर्टिक हाइएटस। और ये लेवल कौन सा आता है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, ठीक है। अब ये एब्डोमिनल एओर्टा एंड कैसे होता है, ये बाइफर्केट करता है दो कॉमन आइलिक आर्टरीज में एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा, और उस कॉमन आइलिक से आगे फिर एक्सटर्नल और इंटरनल आइलिक आर्टरीज बनती है। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी लोअर लिम में जाती है जबकि इंटरनल आइलिक आर्टरी हमारे पेल्विस और पेरिनियम के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे यहाँ लिखा है कि तीन एंटीरियर ब्रांचेस जो है एब्डोमिनल एओर्टा की सप्लाई करती हैं, ठीक। तो सीक्वेंस वाइज देखें तो जो सीलिएक ट्रंक है वो सबसे प्रॉक्सिमली अराइज करता है एब्डोमिनल एओर्टा से, उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, उसके बाद इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, कि अनपेयर्ड यानी कि सिंगल, यहाँ पे राइट लेफ्ट वाली बात नहीं है, एक ही आर्टरी है और आगे से उसकी फिर ब्रांचेज हैं, ठीक है। और इनकी जो टर्मिनल ब्रांचेज होती है वो आपस में एनास्टोमोज करके कोलेटरल ब्लड सप्लाई भी बनाती है। जैसे इस पिक्चर में देखिए बच्चों, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये देखेंगे सबसे ऊपर वाली जो इसकी ब्रांच है वो है सीलिएक ट्रंक, ठीक है, ये वाली जगह आ रही है। उसके बाद सेकंड आप देखिए उससे नीचे जो है वो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और उसके बाद फिर जहाँ उसकी बाइफर्केशन होनी है इस लेवल पे से थोड़ा सा ऊपर अराइज करती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सीली ट्रंक की बात करते हैं तो ये एब्डोमिनल एओर्टा से जहाँ ओरिजिनेट होता है वो कौन सा लेवल है, वो है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का लेवल, ठीक है। और वो कौन सा लेवल होता है, T12
वर्टिब्रा का, ठीक। सीलिया ट्री की आगे तीन ब्रांचेस हैं जिन्होंने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को सप्लाई करना है। उन तीन ब्रांचेस का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्ट्री, स्प्लीनिक आर्ट्री और कॉमन हिपेटिक आर्ट्री। अब आप देखिए कि हमने बात पढ़ी थी कि फोर गट जो है उसमें से जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उनमें हमें पता है कि इसोफेगस से स्टोमिक था, ठीक है, ड्यूडिनम का स्टार्ट तक था और उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स थे। आप देखें कि तकरीबन जो सीलिएक आर्टरी है जो कि फोर गट की आर्टरी है इसकी तीन ब्रांचेस के नाम भी वही हैं जो मेन विस्सा के नाम है। एक स्टमिक से रिलेटेड है जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, फिर स्प्लीन से रिलेटेड स्प्लीनिक आर्टरी और लिवर से रिलेटेड कॉमन हिपेटिक आर्टरी है। पेंक्रियास की अगर बात की, पेंक्रियास ही डायरेक्ट नहीं है, वो फिर स्प्लीनिक आर्टरी से ब्रांच है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये स्टमिक के लेसर कर्वेचर के अराउंड रन करती है, ठीक है। जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो स्प्लीन और पेंक्रियास को सप्लाई करती है। इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जिनमें से एक ब्रांच का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जिसने फिर स्टमिक की ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जब स्टमिक की सप्लाई की बात आएगी तो देखेंगे कि स्टमिक की जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो डायरेक्टली सीलिएक ट्रंक से आएगी, लेकिन जो उसकी गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है लेफ्ट वाली वो स्प्लीनिक आर्टरी से होकर आएगी, ठीक है। फिर कॉमन हेपेटिक आर्टरी की बात करते हैं तो वो डिवाइड होती है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर में, ठीक है। ये जो लिखा है ना हेपेटिक आर्टरी, ये बेसिकली हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर जिसमें प्रॉपरली लिवर की तरफ जाना है। और फिर ब्रांच, दूसरी ब्रांच है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जिसने फिर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमिक को सप्लाई करना है, ठीक है, ये भी लेफ्ट गैस्ट्रिक भी। और फिर गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है। जो सीलिए गैंग्लिया है ना यानी कि नर्व सप्लाई है जो इस रीजन की, वो भी इस सीलिए आर्टरी के साथ साथ होगी। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सीलिए आर्टरी की ब्रांचेस और उनकी फर्दर ब्रांचेस जिन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने से, पहले हमने पढ़ा था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो ये स्टोमे को ईसोफेगस को ब्रांचेस देगी। कॉमन हिपेटिक आर्टरी जो है वो एक तो प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी बनाएगी, उसके अलावा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी बनाएगी, ठीक है। तो स्प्लीनिक आर्टरी की बात करते हैं तो वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देगी, लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी देगी, इसको गैस्ट्रो एपिप्लॉइक भी कहते हैं, ठीक है। फिर डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी है और ग्रेटर पेंक्रियाटिक या सुपीरियर पेंक्रियाटिक आर्टरी है, ठीक। अब आप देखिए कि जहां तक स्टमक के ब्लड सप्लाई की बात करते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि पांच वेसल्स हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं। अब देखेंगे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यहाँ कहाँ से आ रही है, ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। हमने पढ़ा था कि राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं। अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो वो सीलिएक आर्टरी से डायरेक्टली आ रही है, जबकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये कॉमन हिपेटिक से आ रही है सीलिएक की ही ब्रांच, लेकिन डायरेक्ट ट्रंक की नहीं है, कॉमन हिपेटिक आर्टरी की, ठीक है। उसके अलावा हमने गैस्ट्रो ओमेंटल या गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी पढ़ी थी, लेफ्ट को हमने देखा कि वो स्प्लीनिक से आ रही है। ये इतनी डिवीजन पढ़ने का फायदा क्या है कि जब आप इलस्ट्रेट करते हैं या फिर जब इसमें एनास्टोमोसिस बनते हैं तो फिर आपको ब्लड वेसल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इतनी डिटेल से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की ब्लड सप्लाई को डिस्कस करते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है इसकी इस्कीमियाज भी हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि गट के साथ साथ ब्लड सप्लाई ट्रेवल कर रही होती है, अगर गट किसी वजह से ट्विस्ट करती है, इसको वॉल्वुलस कहते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसमें ब्लड सप्लाई इम्पेक्ट होती है। इसलिए हमें हर रीजन की ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए ताकि अगर उस पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को रिसेक्ट करना पड़े, खराब हो जाने की, उसे काटना पड़े, तो हमें पता हो कि हमने ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज नहीं होने देना। राइट गैस्ट्रोमेटल बताऊंगी आगे आएगी, ठीक है। अब इस वाली पिक्चर में देखें, यहाँ से आपने जो है वो ये देखिए, ये जो जगह है ना ये आपका सीलिएक ट्रंक है, ठीक है। अब देखेंगे इसे कौन कौन सी, इसकी पहली ब्रांच ये रही लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसकी दूसरी ब्रांच देखिए ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ठीक है, ये इसकी सेकेंड ब्रांच है। और उसके बाद इसकी थर्ड ब्रांच देखें, ये आ गई थर्ड ब्रांच है इसकी कॉमन हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। अब कॉमन हिपेटिक की आगे से ब्रांचेस हैं जिसको कहा है इन्होंने प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी जो ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि बिलरी ट्रैक की तरफ, और एक ब्रांच इसी की गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, ठीक है। फिर आगे देखिए कि जो गैस्ट्रोड्यूडिनल है ना इसी से फर्दर ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट जो थी वो स्प्लीनिक की ब्रांच थी ना, तो राइट वाली जो है वो फर्दर गैस्ट्रोड्यूडिनल की ब्रांच है। यही वजह है कि जब आप स्टॉमिक में
आपने पढ़ा था ब्लड सप्लाई को, तो लिखा था कि राइट गैस्ट्रोपिपेटल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी विच इज इन टर्न अ ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी इन टर्न ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। ठीक है, ये सब डिविजन होकर आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन रिवियंस करने के साथ अगर आप इसको इलस्ट्रेट करके प्रैक्टिस करें तो ये आपको याद हो जाती है चीजें। ठीक है, स्टमक की ब्लड सप्लाई ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंटेस्टाइन की आती है, हर सेपरेट विस्ट्रा की पूछी नहीं जाती। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की थोड़ी बार डिटेल में करते हैं कि ये जो तीन ब्रांचेज है ना सीलिएक ट्रंक की, उनमें से स्मॉलेस्ट वाली ब्रांच है। ठीक, कि डायफ्राम के अक्रॉस असेंड करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एओर्टा तो नीचे है, सीलिएक ट्रंक डायफ्राम से नीचे ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ये ब्रांच वापस ऊपर की तरफ जाती है और वहां पे इसोफिजियल ब्रांचेस देती है। ठीक है, इससे पहले कि ये लेसर ट्रिबेट ऑफ द स्टोमिक की तरफ कंटिन्यू करे, वहां पे जब ये पहुंचती है, यानी कि ये अगर सीलिएक ट्रंक था, इससे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर की तरफ अराइज हुई, इससे जाके इसोफेगस को ब्रांचेस दी, और बाकी की जो निचला हिस्सा है वो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमिक के गेट कंटिन्यू हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बनकर, और वहां इसने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से फिर एनास्टोमोज करना है। स्प्लीनिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये सीलिक ट्रंक से वहां अराइज करती है जहां इसने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दी थी। ठीक है, वहां से ये लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करती है, स्प्लीन की तरफ जाती है। अभी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक और स्प्लीनिक आर्टरी है ना सीलिक ट्रंक की, ये दोनों लेफ्ट साइड की तरफ अराइज करते हैं। ठीक है, जबकि जो हेपेटिक आर्टरी है ना वो राइट साइड पर अराइज करती है, तो ये उसी साइडों वाले स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही होती है जो एब्डोमेन में उस तरह लोकेटेड है। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक है वो स्टमक को सप्लाई कर रही है, स्प्लीनिक लेफ्ट साइड पर मौजूद स्प्लीन को सप्लाई कर रही है, लेकिन हेपेटिक आर्टरी राइट साइड पर मौजूद लिवर और बिल्टी सिस्टम को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इजी सी बातें ये पिक करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी की बात करते हैं कि अपने कोर्स के दौरान जो है ये स्प्लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, उसके बाद ये पांच ब्रांचेस में टर्मिनेट होती है जो स्प्लीन के डिफरेंट सेगमेंट्स को सप्लाई करते हैं। स्प्लीन को सप्लाई करने के अलावा भी जो स्प्लीनिक आर्टरी है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है। ठीक है, नाम स्प्लीनिक आर्टरी है लेकिन सिर्फ स्प्लीन को सप्लाई नहीं करती, ये बहुत सारी और भी ब्रांचेस देती है, जैसे कि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जिसको लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल भी कहते हैं। ठीक है, ये स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग सप्लाई करती है और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी के साथ एनास्टोमोज करती है। ठीक है, फिर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ये 5 to 7 ब्रांचेज है जो स्टमक के फंडस को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर पेंक्रियाटिक ब्रांचेस हैं जो बॉडी एंड टेल ऑफ पेंक्रियाज को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर स्प्लीनिक आर्टरी है उस पर टॉर्शियस रूट होता है, टॉर्शियस मतलब यानी कि थोड़ा सा ऐसे जिगजैग ठीक कर्वी रूट होता है, और इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस दे रहे होते हैं, रूट ये है कि स्टमक के पीछे इस तरह करके वेवी तरीके से जा रही होती है, तो आप इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये वाहिद आर्टीरियल सप्लाई है लिवर की, और ये वाहिद ब्रांच है सीलिएक आर्टरी की जो राइट साइड पर जाती है। ठीक है, ये सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम से ट्रेवल करती है। ठीक है, वहां पर ये दो ब्रांचेस देती है, प्रॉपर हिपेटिक और गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। अब इन आर्टरीज की भी आगे मल्टीपल ब्रांचेस हैं और इनमें बहुत सारी वेरिएशंस कॉमन है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि मतलब जैसे गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो है वो गैस्ट्रो ड्यूडेनल की नहीं डायरेक्ट जो है वो कॉमन ट्रंक की ब्रांच हो। ठीक है, तो टेक्स्ट में आपको वेरिएशन मिलेंगी, तो उस चीज में फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ सही लिखा है या गलत, वो एनाटॉमिकल वेरिएशन को डिस्कस किया होगा। ठीक है, आप इस टेक्स्ट को ही रेफर कर सकते हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये असेंड करती है थ्रू द लेसर ओमेंटम टूवर्ड्स द लिवर। अब आपको ये तो याद होगा ना कि लेसर ओमेंटम कहाँ था, अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमिक। ठीक है, इसमें असेंड करती है लिवर की तरफ जाती है, वहां जाते हुए कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, पहले राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज देती है जो स्टमक के पाइलोरस और लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। ठीक है, यानी कि ये वाली ब्रांच यहाँ सप्लाई कर रही है सारा। फिर ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज देती है जो प्रॉपरली फिर लिवर की लोब्स को सप्लाई करती है, और फिर सिस्टिक ब्रांच देती है जो कि राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है जो कि लिव गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। ठीक है, सिस्टिक आर्टरी के बारे में पढ़ा था ना कि राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, तो ये वही। ठीक है, अब इस तरह पढ़ने के बाद सारी ब्लड वेसल्स को जब इंडिविजुअली ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई का जिक्र आएगा तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये वाली ब्रांच कहाँ से आएगी। ठीक है,
अगर आपको ये प्रॉपर सीक्वेंस याद नहीं भी होता लेकिन नाम पढ़कर एटलीस्ट पता होगा कि ऐसी कोई डिवीजन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी की बात करते हैं तो ये डिसेंड करती है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम से नीचे, यानी कि हम ये बात करते हैं कि कॉमन हेपेटिक एक आर्टरी थी वो डिवाइड हुई है ड्यूडिनम के पीछे, एक पोर्शन ऊपर चला गया वो प्रॉपर हेपेटिक था, एक नीचे गया वो गैस्ट्रो ड्यूडिनल था। ठीक है, अब गैस्ट्रो ड्यूडिनल की बात करते हैं तो इसकी ब्रांचेस में राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, ठीक है, और सुपीरियर पैंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी। तो गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है वो स्टमक के ग्रेटर वेचर पे सप्लाई करेगी, ये कर रही है यहाँ पर गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ठीक है, और सुपीरियर पैंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी है ये मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर हेड ऑफ पैंक्रियाज को सप्लाई करेगी, यानी कि एक आगे पैंक्रियाज के और एक उसके पीछे जाकर सप्लाई करेगी। ठीक है, डॉटेड बनाएगी। इस वाली पिक्चर में देखिए यहाँ आपको सारी वेसल्स इजीली ट्रेस हो जाएंगी। ठीक है, मैं ग्रीन कलर रखती हूँ ताकि वो आपको इस पिक्चर पे अच्छा नजर आए। आप ये देख सकते हैं ये पीछे जो है ये एओर्टा आ रही है, ये जगह पहचान सकते हैं आप। ठीक है, ये सारा क्या है, ये ब्लू से इन्होंने हाईलाइट भी किया है, पे ये सीलिएक ट्रंक है, यानी मैं अगर इसको यहाँ बनाऊँ ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि ऊपर से भी एक वेसल इसके जा रही है, जो ऊपर वाली वेसल जा रही है ना अगर आप उसको देखें ट्रेस करें तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और देखें कि ये कहाँ कहाँ जा रही है, ये ऊपर इसोफेगस की तरफ जा रही है ब्लड सप्लाई करने के लिए, और ये स्टमक के लेसर कर्वेचर के अराउंड भी ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये रेड वाली कौन सी थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक, उसके बाद मैं ब्लू कलर से अब आपको बनाकर दिखाऊंगी स्प्लीनिक आर्टरी। अब स्प्लीनिक आर्टरी को देखें यहाँ से अराइज किए, ये देखिए टॉर्शियस रूट थोड़ा सा वेवी होकर ये स्टमक के पीछे से जा रही है, किसको सप्लाई कर रही है, सप्लाई कर रही है स्प्लीन को। ठीक है, उसके अलावा इसमें से अराइज कर रही है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जैसे मैं डिस्कस किया था, उसके अलावा इसमें से गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज भी अराइज कर रही है जो स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हेपेटिक आर्टरी की। ठीक है, ये जो ट्रंक जा रहा है ना आगे ये हेपेटिक आर्टरी का है, इसमें से जो ऊपर चला गया ना वो हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर है, और जो नीचे की तरफ सप्लाई करने के लिए आ गया वो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है। ठीक है, जो प्रॉपर थी वो तो फर्दर डिवाइड होगी ना लेफ्ट और राइट लोब्स को सप्लाई करने के लिए, और देखें कि गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर की राइट लोब के नीचे, तो देखें राइट वाली से फिर गॉल ब्लैडर को सप्लाई करने के लिए आर्टरी है ये। अब आपको याद रहेगा कि सिस्टिक आर्टरी क्यों राइट हेपेटिक की ब्रांच है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वो राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे सिचुएटेड है, इसी वजह से राइट हेपेटिक आर्टरी से ब्रांच आकर गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, गैस्ट्रो ड्यूडिनल की तरफ आ जाते हैं। गैस्ट्रो ड्यूडिनल से देखिए आगे आ रही है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है, जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमिक के अलोंग सप्लाई कर रही है। ठीक, तो अगर आप इस तरह पिक्चर से देखकर इनको समझेंगे तो इजी हो जाता है। इसी तरह गैस्ट्रो ड्यूडिनल की एक और ब्रांच आ रही है, इसका नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटो ड्यूडिनल, ये ठीक है, इस तरह करके। तो पेंक्रियाटो ड्यूडिनल है ड्यूडिनम और पेंक्रियाज को भी ये सप्लाई करेगी। अब देखेंगे ये सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल पे आकर एंड हुई है तो नेक्स्ट वेसल में इन्फीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल मिलेगी, यानी कि राइट और लेफ्ट जो है वो जरूरी नहीं है वो सेम ट्रंक से अराइज करें, हो सकता है कि लेफ्ट वाली जो आर्टरी, देखें जो लेफ्ट गैस्ट्रिक नाम रखा गया ना वो स्टमक की लेफ्ट साइड की वजह से है। ठीक है, किसी आर्टरी के राइट लेफ्ट से आने की वजह से नहीं है, फिर चाहे वो किसी की भी ब्रांच हो। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों आर्टरीज लेफ्ट साइड पर हैं, गैस्ट्रिक भी और गैस्ट्रो एपिप्लॉइक भी, लेकिन उनका ओरिजिन डिफरेंट है। इसी तरह राइट और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो है इनका ओरिजिन डिफरेंट है, गैस्ट्रिक्स का ओरिजिन डिफरेंट है, शॉर्ट गैस्ट्रिक का ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेसल आई कहाँ से, आपने उसके हिसाब से फिर बताना है। तो इनमें स्टमक की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इसकी वेनस ड्रेनेज है, ये आपको आनी चाहिए जो बुक में बनी हुई है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाती है ड्रॉ करने के लिए भी। ये मेसेंटेरिक आर्टरी की बात करते हैं तो ये मेजर आर्टरी है एब्डोमेन की। ठीक है, अगर मेसेंटेरिक आर्टरी का इस्कीमिया हो जाए तो पूरी गट जो है वो नेक्रोज हो जाती है और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक, कॉमन हेपेटिक रिपीट में कर देती हूँ यहाँ से एक दफा। कॉमन हेपेटिक बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले साइड पर ड्रॉ करके बताती हूँ फिर आप पिक्चर में ट्रेस करना। ठीक है, जो हम ये वाली बात कर रहे थे ना यहाँ से ट्रंक जो है आ रहा है, ठीक है, ये जो एक ट्रंक
एओर्टा का सीलिएक ट्रंक का राइट साइड पर जा रहा है ना बच्चों, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। बाकी दोनों जो वेसल्स थी ना इसकी, वो दोनों लेफ्ट साइड पर गई थी। अब जो राइट साइड पर आया है ना, ये एक ट्रंक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ चला जाएगा। जो ऊपर जाएगा बच्चों, वो सारे लिवर के सिस्टम को सप्लाई करेगा। जो नीचे आएगा वो गेस्ट्रो ड्यूडिनल है, ठीक है। तो गेस्ट्रो ड्यूडिनल जो है आगे सप्लाई करेगा, मतलब गेस्ट्रो एपिथेलियल का आर्टरी देगा और सीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी देगा, ठीक है। और जो ऊपर गई थी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, वो फर्दर डिवाइड होकर लिवर की लोब्स को सप्लाई करेगी, लेफ्ट और राइट हेपेटिक आर्टरी बनकर, ठीक है। फिर मेसेंटेरिक वापस आते ही डिस्कस करते कि ये मेजर ब्लड सप्लाई है, ठीक है, स्टमक की जो है वो हमारी इंटेस्टाइन की मेजर ब्लड सप्लाई है, ठीक है। उन किन पोर्शन को सप्लाई करेगी, वो जो मिड गट से अराइज करते हैं, ठीक है। जिससे मैंने आपको बताया था कि मेजर ड्यूडिनल पेपिला की बात करते हैं वहां तक, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज करेगा, ये भी एब्डोमिनल एओर्टा के इंटीरियरली अराइज करेगा, लेकिन इसका क्या लेवल है, L1, ठीक है। सीलिएक ट्रंक का लेवल क्या था, T12। अब एब्डोमिनल एओर्टा से अराइज होने के बाद जो स्फीयर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो डिसेंड करती है, ठीक है। और वहां पर फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं, जैसे अब ये इसके आगे स्टमक का पाइलोरस, स्प्लीनिक वेन और नेक ऑफ पेंक्रियाज होंगे, ठीक है। अब आप इसकी लोकेशन डिटरमाइन करें अपने माइंड में कि स्टमक के पीछे है ये, यानी कि जहाँ स्टमक के बेड वाले स्ट्रक्चर्स है ना, लेफ्ट रीनल वेन, अनसीनियर प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज और ड्यूडिनम, उनके और स्टमक के दरमियान में से ये डिसेंड कर रही है, ठीक है। और जो स्टमक इस तरह की शेप बनाता है ना, नीचे टर्न लेता है, ठीक है, तो ये उनके दरमियान में से डिसेंड कर रही है यहाँ पर। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसमें इसकी जो ब्रांचेस है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर ट्रांसवर्स कोलॉन की 2/3 तक सप्लाई करेंगी। पहली ब्रांच का नाम है इंफीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी। हमने जो हेपेटिक की लास्ट ब्रांच पढ़ी थी गेस्ट्रो ड्यूडिनल की, वो थी सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल। अब इंफीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल जो है, ये पहली ब्रांच होगी फिर मेसेंटेरिक आर्टरी की। जैसे बच्चों हमने गट में एक चीज देखी थी ना, कि गट सारी कंटिन्यूस थी, यानी कि जैसे ड्यूडिनम से, मतलब स्टमक से ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से जेजुनम, फिर आइलियम, वहां से आगे हमने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन जिसका कंटिन्यूस थी। तो ब्लड सप्लाई भी ऐसे ही है, जहां पर खत्म हुई थी जो सीलिया की लास्ट ब्रांच, उसी से आगे ब्लड सप्लाई कंटिन्यू होगी स्पीरियो मेसेंटेरिक की, ठीक है। उसकी लास्ट ब्रांच हमने पढ़ी थी स्पीरियो पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी, तो यहाँ स्पीरियो मेसेंटेरिक आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच विल बी इंफीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस देगी, जो कहाँ सप्लाई करेगी, जो सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस करेगी, ठीक है। और फिर हेड ऑफ पेंक्रियास को, अनसिनेट प्रोसेस को और ड्यूडिनम को सप्लाई करेगी, यानी कि वही रीजन आ जाता है जहां पर पेंक्रियाज और ड्यूडिनम, ये तो आपको याद है ना कि ड्यूडिनम की सी शेप में पेंक्रियाज का हेड होता है। तो ये देख लें कि सुपीरियर इन्फीरियर आर्टरी में, ठीक है, ये ऊपर से सुपीरियर आकर सप्लाई कर रही है, नीचे इन्फीरियर सप्लाई कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सुपीरियर वाली जो थी वो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच थी, लेकिन इन्फीरियर वाली सीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। अभी दो डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है, इसी वजह से ये कंबाइन करके एनास्टोमोसिस भी बना रही होती है, ठीक है। ड्यूजनल आइलियन आर्टरीज की बात करते हैं, तो ये आर्टरीज जो है ना, जो कि ड्यूजनम और आइलियम को सप्लाई करेंगी, ये क्या करती है, ये एनास्टोमोटिक आर्केड्स बनाती है, ठीक है। यानी कि इस तरह के आर्क जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर इनमें से स्ट्रेट ब्लड वेसल्स अराइज करती हैं, जिनका नाम होता है वासा रेक्टा, ठीक है। जैसे किडनी में वासा रेक्टा होती है ना, स्ट्रेट वेसल्स उस तरह वासा रेक्टा होती है, ठीक है। अब जो जेजुनल ब्लड सप्लाई है उसमें आर्केड्स कम होती हैं, लेकिन वासा रेक्टा लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इस पर आइलियल जो सप्लाई है उसमें आर्केड्स ज्यादा होते हैं और वासा रेक्टा शॉर्ट होती है, चीज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते वक्त भी ब्लड सप्लाई में डिस्कस की थी, ठीक है। मिडल और राइट कॉलिक आर्टरीज की बात करते हैं, जो कि स्पीरियो मेसेंटेरिक की ब्रांचेस। आप देखें कि जहां पर हमने जेजुनम और आइलियम की बात करी, अब हम मिडल और राइट कॉलिक आर्टरीज की तरफ आते हैं, तो ये वो आर्टरीज हैं जो कोलॉन को सप्लाई करेंगी। देखें, पहले राइट कॉलिक आर्टरी है जो असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करेगी, क्योंकि आपको गट का स्ट्रक्चर याद है ना बच्चों, कि जहां पर आइलियम खत्म हुई वहां से पहले सीकम है, फिर असेंडिंग कोलॉन है, देन ट्रांसवर्स है। तो अब यहाँ वाला जो रीजन है जहां से आइलियम खत्म हुई और असेंडिंग कोलॉन है, उसको कौन सप्लाई करेगा, राइट कॉलिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद उसे ऊपर वाला पोर्शन जो ट्रांसवर्स कोलॉन का, उसको कौन सप्लाई करेगा, मिडल कॉलिक आर्टरी, ठीक है।
मिडल से देख ले, मिड लाइन में राइट वाली राइट साइड, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट कॉलिक आर्टरी आनी है। ये सीक्वेंस बेशक आगे पीछे लिखा हुआ, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। जैसे इलियोकॉलिक की बात करें, इलियोकॉलिक जो है ये फाइनल मेजर ब्रांच है। असल में ये मैंने उस सीक्वेंस से लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस से ये मतलब एओर्टिक ट्रंक में से, एओर्टा में से अराइज हो रही थी, लेकिन आप इनको मेमोराइज करने के लिए इनका सीक्वेंस चेंज करके वैसे भी लिख सकते हैं जैसे ये सप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, इलियोकॉलिक की बात करते हैं, ये वैसे अगर प्रॉक्सिमल से डिस्टल आते हुए देखा जाए तो फाइनल ब्रांच उसकी मेसेंटेरिक आर्टरी की। ठीक है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस के हिसाब से इसको पैंक्रियाटो ड्यूडिनल के बाद लिखें तो आपको ये याद रहेगी कि पैंक्रियाटो ड्यूडिनल एंड ड्यूडिनम को फिर जेजुइनल आइलियल आर्टरीज, उसके बाद इलियोकोलिक है, फिर राइट कोलिक है, फिर मिडिल कोलिक है। ठीक है, ये क्या करती है, इलियोकोलिक की असेंडिंग कोलॉन को ब्रांचेस देती है, अपेंडिक्स को, सीकम को और आइलियम को। जब अपेंडेक्टमी होती है ना तो इसमें की जो अपेंडिकुलर ब्रांच है ना जो सिर्फ अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है उसको हम लाइगेट करते हैं। ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है अपेंडिकुलर आर्टरी, ये आपने याद रखना। इस पिक्चर में देखें, यहाँ आपको सारा स्केच बनाकर दिखाया हुआ और आपने इसी तरह की पिक्चर तकरीबन एग्जाम में बनानी होगी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, या नार्केट्स बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं, आपको एग्जैक्ट उस तरह करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखते जाइए कि ये सेंटर में क्या, ये स्पीरियो मेसेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, एक तो आपको पता है कि इनसे पहले स्टार्ट में कौन सी ब्रांच आनी चाहिए थी, पहले इसकी इन्फीरियर पैंक्रियाटो ड्यूडिनल ब्रांच होनी चाहिए थी जो कि उन्होंने यहाँ पर नहीं मेंशन की वैसे। ठीक है, उसके बाद इसकी जेजुनल आइलियल आर्टरीज हैं जो कि जेजुनम को और आइलियम को सप्लाई करती हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस में देखिए तो फिर इलियोकोलिक आर्टरी आ जाती है ये, और इलियोकोलिक के बाद से फिर असेंडिंग कोलॉन में राइट कोलिक आर्टरी, और फिर देखिए मिडिल कोलिक आर्टरी जो है वो ट्रांसवर्स कोलॉन को सप्लाई कर रही है। इन्होंने फिर उस सीक्वेंस से बताया हुआ है जिस सीक्वेंस से गट बन रही है। ठीक है, अब डायग्राम भी फिर इसी तरह ड्रॉ करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा लेवल के सब दिखाया हुआ है कि राइट कोलिक जो है वो ऊपर से अराइज कर रही है एज कम्पेयर टू इलियोकोलिक वो नीचे से अराइज कर रही है, लेकिन गट में क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस वजह से सीक्वेंस फिर डिफरेंट आ जाता है। ये पिक्चर है सबसे सिंप्लीफाइड, आप इस तरह की पिक्चर अगर एग्जाम में बनाएं तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए ना कि आप, या फिर ये कहा जाएगा कि असेंडिंग कोलॉन की ब्लड सप्लाई ड्रॉ करें या कोलॉन की करें, ठीक है, या फिर ये कहा जाएगा कि स्पीरियो मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस ड्रॉ करें, तो देखिए ये स्पीरियो मेसेंटेरिक आर्टरी है ना, ये जो कट दिखाए हैं ये जेजुइनल आर्टरीज है, जेजुइनल और आइलियल, ठीक है, जिन्होंने आर्केड्स बनाने। उसके बाद देखें ये इलियोकोलिक आर्टरी, देखें ये कहाँ सप्लाई कर रही है, जहां पर इलियोसीकल जंक्शन है, असेंडिंग कोलॉन है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद राइट कोलिक आर्टरी है असेंडिंग कोलॉन की, और फिर मिडिल कोलिक आर्टरी है ट्रांसवर्स कोलॉन की। ठीक है, इसी पिक्चर में जो डॉटेड बना हुआ है ना सारा, आप इसको फिर इन्फीरियर मेसेंटेरिक पार्ट ये भी बना सकते हैं आप साथ। ठीक है, लेफ्ट कोलिक आ जाएगी डिसेंडिंग कोलॉन की और सिग्मॉइड आर्टरीज आ जाएंगी। इसमें आप एक चीज और जो आपने गौर करने की बच्चों वो है मार्जिनल आर्टरी। ये देखिए मार्जिनल आर्टरी यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, ये मार्जिनल आर्टरी क्या है इसको हम बाद में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, जिसको मैंने पर्पल बना दिया ना, यानी कि जो गट के मार्जिन के साथ साथ है अंदर की साइड पर, ये मार्जिनल आर्टरी है, इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की बात करते हैं, ये मेजर ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है, इन्फीरियर क्यों कहा है, क्योंकि डिस्टल है एज कम्पेयर टू सुपीरियर। ठीक है, लेकिन है ये साइज में मेजर ब्रांच। अब ये किसको सप्लाई करेगी, वो जो हाइंड गट के ऑर्गन से यानी कि डिस्टल थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन से लेकर रेक्टम तक, और एनस का भी अपर पोर्शन। जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ना, अब वो क्योंकि लास्ट ब्रांच है तो ये कहाँ से अराइज कर रही है, वहां जहाँ बाइफर्केशन थी, बाइफर्केशन हमने पढ़ा था L4 पे है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर यानी के L3 के लेवल पर ये अराइज करती है। ठीक है, अब ये आर्टरी जब एओर्टा से अराइज करती है तो ये पहले डिसेंड करती है फिर लेफ्ट साइड पर मूव करती है, और ये जो आर्टरी है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसमें अगर हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ मिडिल कोलिक खत्म हुई है उससे नेक्स्ट आपको पता है कि डिसेंडिंग कोलॉन आ जाती है ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद। ट्रांसवर्स कोलॉन से नीचे जो डिसेंडिंग कोलॉन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होती है, तो इसकी आर्टरी जो पहली ब्रांच होगी वो कौन सी होगी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी कहीं लिखा है कि इसकी पहली ब्रांच है डिस्टल थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को और डिसेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करेगी, और उसके अलावा ये दो ब्रांचेस देखती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, जो उसकी असेंडिंग ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही थी, वो अपर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल असेंडिंग कोलॉन तक, और उसकी जो डिसेंडिंग ब्रांच है ना बच्चों वो लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करेगी,
और उसके अलावा ये सुपीरियर सिग्मोइड आर्टरी से एनास्टोमोज करेगी, ठीक है। यानी कि अगर ये सारी डिसेंडिंग कोलोन थी ना, तो उसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच है, हाफ पोर्शन तक ऊपर वाले तक असेंडिंग ब्रांच सप्लाई करेगी, नीचे वाले पोर्शन में डिसेंडिंग ब्रांच सप्लाई करेगी, और वो सिग्मोइड कोलोन की जो वेसल है सिग्मोइड आर्टरी, उसके साथ एनास्टोमोज भी करेगी। सिग्मोइड आर्टरीज जो है डिसेंडिंग कोलोन सिग्मोइड कोलोन को सप्लाई करेंगी, 2 से 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर की तरफ ओरिजिनेट होती है उसका नाम सुपीरियर सिग्मोइड आर्टरी होता है, ठीक है। और ये फिर बाकी जो स्ट्रक्चर्स है ना जीआईटी से हटकर, यानी कि जैसे लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेसल्स, ये उनकी तरफ रन कर रही होती है, ठीक है। वहां भी इनके साथ भी एनास्टोमोज कर रही होगी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की ब्रांच करें तो ये इंफीरियर मेसेंटेरिक की ही कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन होने का क्या मतलब है कि मेन स्टेम ही बन जाता है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। एक तो ये है ना कि एक स्ट्रक्चर है उसे ब्रांचेस निकलना, एक होता है इसी मेन स्टेम को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। रेक्टम को सप्लाई करेगी, पेल्विस में डिसेंड करेगी, और जहाँ लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी है उसको क्रॉस करेगी। यानी कि देखें कि एओर्टा जो था ना वो नीचे आकर तो चले बाइफर्केट हो गया था ना, लेकिन ऊपर से जो आर्टरी आ रही थी इंफीरियर मेसेंटेरिक, वो नीचे आते आते इस बाइफर्केशन के अंदर वाले पार्ट को क्रॉस करती है, ये फर्दर फिर आगे 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। S3 जो लेवल है सेक्रल वर्टिब्रा नंबर 3, वहां पर ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो कि रेक्टम की दोनों साइड्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। और रेक्टम की वॉल के अंदर ये ब्रांचेस जो हैं फिर कम्युनिकेट करती हैं मिडल और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज के साथ। इस पिक्चर में देखें दोबारा, अब ये जो स्टेम आपको दिखाया हुआ है ना बच्चों, ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये कौन सा है, ये है इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का स्टेम। देखें अब इससे जो पहली ब्रांच आ रही है उसका नाम है लेफ्ट कॉलिक आर्टरी, उसके बाद अगली ब्रांच है सिग्मोइड आर्टरी। अब सिग्मोइड आर्टरी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं आगे, जिनमें से जो एक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सॉरी सुपीरियर सिग्मोइड आर्टरी है, और उसके बाद फिर इन्फीरियर सिग्मोइड आएगी। अब यहाँ पर देखें दोबारा एक आर्टरी मौजूद है जिसका नाम है मार्जिनल आर्टरी, सारे मार्जिन पे मौजूद है, इसको दोबारा फिर हम आगे देखते हैं। थोड़ी सी सिंप्लीफाइड पिक्चर है समझने के लिए, सिग्मोइडल आर्टरी इसमें ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, ठीक है, जो कि सिग्मोइड कोलन को सप्लाई करेंगे। और देखें कि यहीं से देखें कि मेन स्टेम जब नीचे आ रहा था ना, वही सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बना है, जबकि जब इसने सिग्मोइड को देना था तो वो इसने ब्रांचेस दी थी, ठीक है। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, जबकि जो सिग्मोइडल आर्टरीज थी या लेफ्ट कॉलिक आर्टरी थी वो अराइज कर रहे थे एज अ ब्रांच इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से। देखें फिर सुपीरियर रेक्टम से देखें किस तरह 2 डिवीजन भी बन रही है, इसमें बात की थी रेक्टम की साइड्स को सप्लाई करने के लिए। इस पिक्चर में ये वही पिक्चर है जो हमने पहले डिस्कस की थी मेसेंटेरिक आर्टरी सुपीरियर के लिए या इंफीरियर के लिए है। इसमें देखें कि सुपीरियर वाले के पार्ट्स को डॉटेड करके इंफीरियर को प्रॉपर रखता है, तो ये पिक्चर भी आप फिर बना सकते हैं जब आपसे कोई कोलोन की ब्लड सप्लाई पूछेगा, ठीक है। जब कोलोन की पूछेगा तो डिफरेंस सिर्फ ये करना है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक की जो आइलियल ब्रांच थी और पेंक्रियाटोड्यूडिनल थी ना इंफीरियर, वो आप नहीं बनाएंगे क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करने के लिए थी, ठीक है। कोलोन का मतलब है ना लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर आप ये वाली पिक्चर बना देंगे उसमें। नेस्टोमोसिस की अगर बात करें तो जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ना, ये 2 मेजर नेस्टोमोसिस बनाती है, ठीक है, और किसके साथ, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के साथ। तो अब इनमें जो एक नेस्टोमोसिस है ना उसका नाम है मार्जिनल आर्टरी, ठीक है, जिसको मैंने कहा था डिस्कस करेंगे, मार्जिनल आर्टरी और ड्रमोन, ठीक है। ये क्या करती है कि ये कॉन्टिन्यूस एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है इनर बॉर्डर ऑफ कोलोन में, इसमें से फिर वसा रेक्टा जो है वो कोलोन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस इन्वॉल्व है, यानी कि बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडल कोलिक वो, और फिर लेफ्ट कोलिक, सिग्मोइड की ब्रांचेस, ये जो सारी इकट्ठे हैं ना इनको कहते हैं हम इकट्ठे मिलाकर मार्जिनल आर्टरी। हमने सारी बात पढ़ी है ना कि ब्लड वेसल्स कॉन्टिन्यूस है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, सब ज्वाइन होकर सप्लाई करें, तो जो इकट्ठे मौजूद है ना सारा नेटवर्क, इसको हमने कहा है मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। फिर एक और चीज है, इसको कहते हैं आर्क ऑफ रायोलान, ठीक है। ये क्या है, ये एक एनास्टोमोसिस है जो मिडल कॉलिक ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और लेफ्ट कॉलिक के दरमियान है, ठीक है।
ये मार्जिनल आर्टरी से कम, ये एक एनेटमिकल वेरिएशन है, यानी सब में नहीं होगी, ज्यादातर लोगों में मार्जिनल आर्टरी होती है, किसी किसी में आर्कोफ्रियोलम होता है। कुछ जगह पे मेंशन है, कुछ जगह पे इसे कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये किसका जिक्र होता है, तो उसकी मैंने कहा आपको बता दूं कि जिस तरह मार्जिनल आर्टरी मौजूद है ना सारी, इसी तरह थोड़े से एरिया पे जहाँ पर सिर्फ मिडिल कॉलिक आर्टरी और इंफीरियर कॉलिक होनी चाहिए, वहां पर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उसको हम आर्क ऑफ रेवलान कहते हैं, ठीक है। और जो स्प्लीनिक फ्रैक्चर है बच्चों, उसको हम वाटर शेड एरिया कहते हैं, ठीक है। ये टर्म इसलिए यूज की जाती है कि इस एरिया के डुअल ब्लड सप्लाई है दो डिस्टल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी से, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, स्प्लीनिक फ्रैक्चर का देखें कि मिडिल कॉलिक से भी सप्लाई हो रहा है और साथ में लेफ्ट कॉलिक से भी। अब जबकि मिडिल कॉलिक जो थी वो सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच थी, और जो लेफ्ट कॉलिक है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक की। अगर इन दोनों में से कोई एक वेसल को इस्कीमिया भी हो जाता है तो दूसरी वाली जो जगह है वो वहां पर ब्लड सप्लाई कर सकती है, ठीक है। इस पिक्चर में देखें, इसमें आपको आर्क ऑफ रेवलान दिखाया हुआ, वही दरमियान वाला जो जंक्शन है ना, यानी कि मिडिल वाली आर्टरी के दरमियान और लेफ्ट कॉली के दरमियान, जबकि आप मार्जिनल आर्टरी को इसमें पॉइंट कर सकते हैं, देखिए वो पूरे मार्जिन पर मौजूद है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी, तो ना देखिएगा खाली इसमें आर्क ऑफ रेवलान और मार्जिनल आर्टरी पर फोकस रखिएगा। वेनस वेन्स की बात करते हैं, दो सिस्टम्स हैं जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करेंगे, सिस्टेमिक वेनस सिस्टम है, पोर्टल। सिस्टेमिक तो वो है ना जो सारा डिएजिनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में लाएगी, इन्फीरियर वेना कैवा है वो, ठीक है, वो लिवर से आगे कैरी करेगी। बहुत डिटेल में इसे नहीं जा रहे क्योंकि एब्डोमिन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अलावा भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसमें ड्रेन होते हैं, वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम फिलहाल अपना फोकस पोर्टल वेनस सिस्टम पर रखेंगे जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। पोर्टल जो सिस्टम है बच्चों, उसके अंदर वेनस ब्लड है, कहाँ से आएगा, इंटेस्टाइन से आएगा, किधर जाएगा, लिवर के अंदर। लिवर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो इसको इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में शामिल कर देगा, ठीक है। जो मेजर वेसल है ना पोर्टल सिस्टम की, उसका नाम है पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इन सब की ब्लड का, इन सब की वेनस टू वेनस है ना, यहाँ पर आके कन्वर्ज होती है जहाँ पोर्टल वेन है, ठीक है। ये खुद बनती किससे, स्प्लीनिक वेन से और स्पीरियम मेसेंटेरिक वेन से। यानी स्प्लीनिक वेन आपको पता है कि जिस तरह इसकी आर्टरी की ब्रांचेस थी, यानी कि स्टमक को सप्लाई करने वाली, पैंक्रियास को सप्लाई करने वाली, स्प्लीन को, वो सब होंगी, और स्पीरियो मेसेंटेरिक जिस तरह गट को सप्लाई करती उसकी सारी फिर कोरिस्पॉन्डिंग ब्रांचेस, वो सब मिलकर पोर्टल वेन बनाएगी। तभी ये बात लिखी हुई है कि ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है जिसपे स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और एब्डोमिनल पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की वेनस ड्रेनेज, ठीक है। ये जो पोर्टल वेन है ये लिवर की तरफ असेंड होगी, ठीक है, और पोस्टीरियरली जाएगी, और वहां लिवर के अंदर इंटर होने के बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में, ठीक है, ताकि वो लिवर के पैरेन्काइमा सेपरेटली जाए, लेफ्ट पोर्टल और राइट पोर्टल साइड से जाएगी, ठीक है। इसकी ट्राइब्यूटरीज, इसकी ब्रांचेस क्या है, इस ट्राइब्यूटरीज के अंदर इतना है कि जो पोर्टल वेसल ने रिसीव करना है, आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड होती है, लेकिन ब्लड वेसल जो है, जो वेन को, वो रिसीव करती है आने वाली वेसल्स को, ठीक है। जैसे इसकी राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स हैं जो स्टमिक को ड्रेन करती हैं, ठीक है, सिस्टिक वेन्स हैं जो कि गॉल ब्लैडर को ड्रेन करती हैं, पैरा अम्बिलिकल वेन्स हैं जो कि स्किन ऑफ अम्बिलिकल रीजन को ड्रेन करती हैं। अब यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी बच्चों की, यहाँ जिस तरह हम लोग आर्टरी में बहुत ज्यादा डिविजन्स करके बता रहे थे कि जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक अकेली ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की, लेकिन राइट गैस्ट्रिक जो है वो फर्दर आगे स्प्लीनिक की ब्रांच है, इस तरह, सॉरी उसकी हेपेटिक की, तो इस तरह ये चीज यहाँ नहीं होगी वेन्स में, आप सिंपली इनके नाम और इनकी ट्राइब्यूट्रीज याद रखेंगे, ठीक है, किस में जाकर इसने ड्रेन करना है। इस पिक्चर में थोड़ी सिंपल इलस्ट्रेशन बनाई हुई है, आपको इस तरह की पिक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए वेनस वेन्स के लिए भी, ठीक है। सारी ट्रैक की आपसे कम नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ स्टमिक का ही पूछेंगे, लेकिन सिर्फ ये इलस्ट्रेशन आपको समझने के लिए कि देखें कि जिस तरह स्प्लीनिक आर्टरी थी उस तरह स्प्लीनिक सारे कोलेटरल्स हैं जो वापस जाएंगे, ठीक है। और ये देखें कि यहाँ आपने जो चीज आइडेंटिफाई करनी है बच्चों, आप स्प्लीनिक वेन को पहचानिए, ठीक है, ये देखिए स्प्लीनिक वेन है, ठीक है,
और दूसरी चीज आपने यहाँ पहचाननी बच्चों, वो है स्पीडियम मेसेंटेरिक वेन। ये दोनों जब कंबाइन होकर जा रही है ना आगे लिवर में, तो ये पोर्टल वेन बनती है। फिर देखें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और पीछे जो ट्रंक आ रहा है ना, ये इंफीरियर वेना कहलाता है, ये उसे लिवर के पीछे से गुजर रहा होता है। लेकिन यही वाली जो पोर्टल वेन बनी है ना यहाँ पर, पोर्टल वेन ये क्या करेगी, ये सारे लिवर के पैरेन्काइमा में जाती है, वहां इसके हेपेटिक वेन्स बनती हैं छोटी छोटी, जो कि लिवर के अंदर इस वाले पोर्टल वाले ब्लड को ले जाती हैं। वहां मौजूद साइनोसॉइड्स जो है लिवर के, लिवर का जो बेसिक यूनिट है, उससे फिल्टर कराती हैं इस ब्लड को। हेपेटिक वेन्स जो होती हैं वो सारी फिर मिलकर जाकर इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन होती हैं। ठीक है, एक दफा बताते हैं दोबारा कि देखें पोर्टल वेन जो है वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कैवा में नहीं जाती। पोर्टल वेन लिवर तक इंटेस्टाइन वाला ब्लड लेकर आती है, वहाँ ये लिवर के पैरेन्काइमा में चली जाती है, वहाँ मौजूद साइनोसॉइड्स से इस ब्लड को फिल्टर कराती है। ठीक है, इसने यानी भेज दिया साइनोसॉइड्स को सारा ब्लड, वहाँ जो साइनोसॉइड के सेंटर में जो सेंट्रल वेन थी वो इस ब्लड को कलेक्ट करती है। बहुत सारी सेंट्रल वेन्स मिलकर हिपेटिक वेन्स बनाती हैं, और फिर हिपेटिक वेन आकर इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन करती है। ठीक है, और वहां से फिर ये हार्ट की तरफ चले जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में शामिल होने। स्प्लीनिक वेन की बात करते हैं, जो स्प्लीनिक वेन है ना एज कम्पेयर टू स्प्लीनिक आर्टरी, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी टॉर्चुअस थी, स्प्लीनिक वेन जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, और इसकी ट्राइब्यूटरी ये क्या क्या रिसीव करती है, इसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आती है, लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल वेन आती है, पेंक्रियाटिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन आती है। ठीक है, अब देखिए कि आर्टरी केस में जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी थी वो एक सेपरेट ब्रांच थी। ठीक है, जबकि स्प्लीनिक जो थी वो एक सीलिक ट्रंक की ब्रांच थी। लेकिन वेनस ड्रेनेज में डिफरेंट है, इंफीरियर मेसेंटेरिक जो है वेन वो स्प्लीनिक वेन की ब्रांच है। ठीक है, वेनस सिस्टम मतलब जो ब्रांचेस के नाम है ना बच्चों, वो कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं आर्टरी को। ठीक है, लेकिन उनका जो ड्रेनेज का सिस्टम है ना, वो ब्रांचेस जरूरी नहीं है उस तरह हो जैसे आर्टरी में वो ब्रांच थी। यानी कि इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ने डिस्टल ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन को ही ड्रेन करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस टाइम भी वो इंफीरियर मेसेंटेरिक की ही ब्रांच हो और उसने फर्दर एओर्टा की तरह इंफीरियर वेना कैवा में जाना। नहीं, यहाँ चीज डिफरेंट है, तो इसलिए आपने चीज देख कर पढ़नी कि कौन सी ब्रांच कहाँ ड्रेन कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो ब्लड ड्रेन करती है रेक्टम, सिग्मोइड कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर से। ठीक है, और सुपीरियर रेक्टल वेन बन के ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सिग्मोइड वेन, लेफ्ट कॉलिक वेन से ब्लड लाती है। अब अगर याद करें तो इंफीरियर मेसेंटेरिक जो थी वो उसकी टर्मिनल ब्रांच सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, और यहाँ इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन शुरू ही सुपीरियर रेक्टल वेन से हो रही है। मतलब नाम इसका कॉरिस्पॉन्डिंग है, लेकिन फर्क क्या है कि इंफीरियर मेसेंटेरिक अब स्प्लीनिक वेन में जाकर ड्रेन हुई है। ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेट है ना वो इस तरह है कि स्प्लीनिक वेन और इंफीरियर मेसेंटेरिक ने मिलकर पोर्टल बनाना है, और स्प्लीनिक के अंदर आकर इंफीरियर मेसेंटेरिक ड्रेन हुई है। इंफीरियर मेसेंटेरिक की ट्राइब्यूटरीज की बात करते हैं, इसमें राइट गैस्ट्रोमेंटल है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल वेन है, जबकि आर्टरी में पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी थी इनफीरियर। ठीक है, फिर उसी तरह जेजुनल आइलियल वेन्स, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, मिडिल कोलिक, देखिए नाम सारे वही हैं। स्पीरियो मेसेंटेरिक का तकरीबन वही है जिसका स्पीरियो मेसेंटेरिक आर्टरी का था, इन्फीरियो मेसेंटेरिक की ट्राइब्यूटरीज के नाम वही है। फर्क सिर्फ ये होगा कि वो डायरेक्टली ट्रंक में नहीं जाएगी, अब वो स्प्लीनिक वेन में पहले जाएगी, स्प्लीनिक वेन उसको आगे फिर पोर्टल वेन में ले जाएगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर नाउ। ठीक है, यहाँ वाली पिक्चर में एक दफा दोबारा देख लें, देखें कि ये सारे स्पीरियो मेसेंटेरिक वाले स्ट्रक्चर्स है ना, जिनको जैसे आर्टरी सप्लाई कर रही थी ना, तो वेन उन्हीं को ड्रेन कर रही है और ये फिर पोर्टल वेन की तरफ जा रही है बनने के लिए। और यहाँ से देखें स्प्लीनिक वेन एक तो अपने वाली सारी स्प्लीनिक वाले स्ट्रक्चर से ले रही है ना, उसके अलावा ये जो पोर्शन है ना बच्चों, ये वाला ये इंफीरियर मेसेंटेरिक का है। ठीक है, इंफीरियर मेसेंटेरिक का, तो ये खुद जाकर फिर स्प्लीनिक वेन में ड्रेन कर रहा है। यानी जहाँ पहले एओर्टा की तीन ब्रांचेस थी ना, सीलिएक ट्रंक था, स्पीरियो मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, तो वहां सीलिक ट्रंक की जगह अब वेन के केस में ये है कि वहां पर इंफीरियर वाला और स्प्लीनिक वाला इकट्ठा हो गया, और स्पीरियो मेसेंटेरिक वेन फिर जाकर उसमें ड्रेन करती है, और ये दोनों मिलकर पोर्टल वेसल बनाते हैं। नर्वस सप्लाई की बात करते हैं, पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि इसके सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक दोनों ब्लड सप्लाई, और इसका अपना भी नर्वस सिस्टम है।
जो सिंपथेटिक इनर्वेशन है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो एब्डोमिनो पेल्विक स्प्लांकनिक नर्व से आती है। जो बच्चों स्प्लांकनिक वर्ड है ना, ये विस्कास के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कैसे आएंगी? ये जो हमारा प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है ना सिंपथेटिक, उनमें से ही ये अराइज करती है। ठीक है, यानी जो हम पढ़ते हैं ना कि अपनी वर्टिब्रल कॉलम के इर्द गिर्द जो है वो वर्टिब्रल सिंपथेटिक चेन है, उसमें से ये अपने लेवल पर अराइज करेगी। जो स्टमक वाला है वो सीलिएक लेवल से, ठीक है, फिर स्पीरियो मेसेंटेरिक लेवल से, फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक लेवल से। यानी आपको पता है स्पीरियो मेसेंटेरिक वाला जो है तकरीबन वो लंबर लेवल आ जाएगा, यानी कि जहां गट जिस लेवल पे मौजूद है ना उसके पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन मौजूद है ना, वहां से सिंपथेटिक सप्लाई आएगी उस वाले लेवल से। ठीक है, अब सिंपथेटिक इनर्वेशन क्या करेगी? ये पेरिस्टोलिसिस को इनहिबिट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन में आपकी डाइजेशन को इनहिबिट किया जाता है ताकि आपका ब्लड फ्लो सारा जो है वो मसल्स की तरफ डायरेक्ट किया जा सके, आप एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, देखिए ना कि आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आप लेजी फील करते हैं, क्योंकि आप सारा ब्लड फ्लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए आपकी उस टाइम जिस टाइम आपको फ्लाइट या फ्राइट कंडीशन में है आप, तो आपकी डाइजेशन को इनहिबिट करने की जरूरत है ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। यही वजह है कि सिंपथेटिक इनर्वेशन पेरिस्टोलिसिस को रोकेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और ब्लड फ्लो को रीडायरेक्ट करेगी फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्केलेटल मसल, और एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि आप उस कंडीशन में आपको डेफिकेट करने की आदत ना हो। पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई की बात करेंगे तो वेगस नर्व से आती है ये, और पेल्विक स्प्लांकनिक नर्व है इसकी। ठीक है, ये क्या करेगी? ये जो नर्व है वेगस नर्व, या फिर ये पैरासिम्पेथेटिक जो इनर्वेशन है, ये पेरिस्टोलिसिस को बढ़ाएगी, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन को बढ़ाएगी ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो, इंटरनल एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी और रेक्टम को कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब आपको पता है कि जब एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो और रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करे तो डेफिकेशन प्रमोट होती है। ठीक है, डायरेक्ट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्व्स को, सिंपथेटिक को देखिए कि सारा वो जो वर्टिब्रल चेन थी ना उसी में से सीलिएक गैंग्लियन है जो ईसोफेगस और स्टमक को सप्लाई कर रहा है और ड्यूडिनम तक, फिर स्पीरियो मेसेंटेरिक गैंग्लियन है जो कि स्मॉल गट के कुछ पोर्शन को सप्लाई कर रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, अप टू ट्रांसवर्स कोलन, फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक जो बाकी के लोअर पोर्शन को कर रहा है। ठीक है, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वाला पोर्शन ही है जो डेफिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जाहिर है ये रेक्टम को सप्लाई कर रहा है, इंफीरियर स्फिंक्टर्स को सप्लाई कर रहा है। इसकी निस्बत आप पैरासिम्पेथेटिक को देखिए तो वेगस नर्व ही है। ठीक है, वेगस नर्व है या फिर सेक्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से कुछ वेसल्स आ रही ताकि आपके स्फिंक्टर को कंट्रोल किया जा सके। डायरेक्ट नर्वस सिस्टम की बात की थी, ये क्या चीज है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का अपना नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक ब्रांच है स्टडी के, उसको कहते हैं न्यूरो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ये जो सिस्टम है ना, ये वैसे तो हमारे सीएनएस के अंडर है, लेकिन ये केपेबल है कि ये ऑटोनॉमस फंक्शन भी कर सके, जैसे जो रिफ्लेक्सेस हैं इंटेस्टाइन के उसके लिए। इसके अंदर ये बहुत वास्ट सिस्टम है, इसके अंदर अपने 100 मिलियन न्यूरॉन है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर एम्बेड हुआ हुआ है, यानी कि इसना वॉल्स के अंदर, उसके सब म्यूकोजा के अंदर ये एम्बेडेड है। इसके गैंग्लिया की बात करें तो इसमें दो टाइप्स ऑफ गैंग्लिया है, माइंटेरिक है जिसको ऑर्बेक भी कहते हैं, माइंटेरिक मसल से है। ठीक है, और सब म्यूकोजल है जिसको मैसनर्स भी कहते हैं। अब जो माइंटेरिक फ्लेक्सेस है ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। ठीक है, और क्योंकि ये मसल से रिलेटेड है, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये गट की टोन को बढ़ाएगा, उसके अलावा कंट्रेक्शन की वेलोसिटी को भी, इंटेंसिटी को भी, यानी कि कंट्रेक्शन हो भी जोर से और तेजी से। ठीक है, ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो। अब क्योंकि ये मस्कुलर वॉल से रिलेटेड है, इसी वजह से ये जो प्लेक्सेस है ये गट की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप इस सिस्टम को इनहिबिट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? स्फिंक्टर्स रिलैक्स होते हैं और फूड का जो है फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी निस्बत सब म्यूकोसल प्लेक्सेस को देखें तो ये ज्यादा लोकल कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि लोकल लेवल पर सिक्रीशन, जहां पर फूड मौजूद है वहां पर सिक्रीशन कराना, एब्जॉर्प्शन कराना और वहां के मसल की मूवमेंट्स करवाना ताकि उनके मूव करने से फूड अच्छी तरह चर्न अप हो, मिक्स हो और एब्जॉर्ब हो सके। उसके अलावा ये जो सब म्यूकोसल प्लेक्सेस है ना बच्चों, ये सिंपथेटिक प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया को फीडबैक या इंफॉर्मेशन भी भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन स्टेम को, यानी कि
इंटेस्टाइन के अंदर का जो सिस्टम है ना, उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हायर सेंटर्स तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सब म्यूकोसल प्लेक्सस पे जा रहा है। पिक्चर में देखें, थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया हुआ है कि जैसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस आपको सब म्यूकोसा के अंदर मिलेगा, ठीक है। लोकल लेवल पे कंट्रेक्शन को कंट्रोल करेगा और सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, जबकि माइंटेरिक आपको इंटेस्टाइनल वॉल में मिलेगा और ये कंट्रेक्शन को, मोटिलिटी को कंट्रोल करेगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इंटेस्टाइनल विस्प्रा की, उन्हीं की वॉल्स के अंदर सिस्टम सारा एम्बेडेड है, ठीक है। और जो वेसल्स है ना लिम्फेटिक्स, वो आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ रन करते हैं, ठीक है। वहां से सारे नोड्स पैरा एओर्टिक नोड्स की तरफ जाएंगे, यानी एओर्टा थी ना बच्चों जो कि ब्लड सप्लाई करने के लिए जा रही थी, इस तरह लिम्फेटिक्स वापस आने के लिए एओर्टा के साथ साथ जो लिम्फ नोड्स है ना, तो पैरा एओर्टिक नोड्स कहते हैं, उनकी तरफ जाएगी। और फिर इवेंचुअली थोरेसिक डक्ट जो थोरेक्स के अंदर मौजूद है ना, जहाँ पर जैसे हार्ट के अंदर सारा ब्लड जाकर एक्युमुलेट होता है, इसी तरह थोरेसिक डक्ट के अंदर जो है सारी लिम्फ जाती है, ठीक है। इसी तरह सब विश्वास की शॉर्ट शॉर्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस करेंगे, वैसे हम ये पहले पढ़ चुके हैं लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ी थी। ये सब डिस्कस करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप बताऊंगी कैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में लिम्फेटिक्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। कमी की बात करते हैं, तो इसमें चार ग्रुप्स हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के, ठीक है। जो ग्रुप वन है ना, वो स्टमिक के एंटीरियर पोस्टीरियर सर्फेस से लिम्फ रिसीव करता है, ठीक है। और फिर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ साथ जाता है। अगर आपको अब याद हो तो जो स्टमिक का स्ट्रक्चर था, उसमें सारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ थी, तो सारी यहाँ वाले इंटीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद थी। तो इसलिए जो इंटीरियर पोस्टीरियर सर्फेस की लिम्फ है, वो इस वाले आर्टरी के नोड्स के साथ साथ जाएगी। तो ग्रुप टू है ना, वो बॉडी और फंडस से, यानी यहाँ से सारी लिम्फ ड्रेन करता है। और ये यहाँ पर आपको पता है ब्लड वेसल कौन सी थी, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेसल्स थी ना, और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल थी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फंडस की और गैस्ट्रो एपिप्लॉइक जो थी वो कर्वेचर की, ठीक है। उनके साथ मिलकर ये फिर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल नोड्स में जाएगा। जो तो थर्ड ग्रुप है स्टमिक का, वो ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग सारी ड्रेनेज करेगा, ठीक है। और वहां से सब पाइलोरिक नोड्स में जाएगा। फिर ग्रुप फोर है जो पाइलोरिक रीजन और बाकी सारे जो सराउंडिंग एरिया है स्टमिक का, ठीक है, ऊपर एंट्रम वगैरह वाला, वहां से सारी सप्लाई ले जाएगा, ठीक है, सब पाइलोरिक लाइन पे। इस पिक्चर में थोड़ी सी रफ सा से समझाने के लिए देखेंगे, ये वो है जो गैस्ट्रिक आर्टरी वाले रीजन में गैस्ट्रिक नोड्स, ठीक है। फिर पाइलोरस के नीचे जो है ये वाले सब पाइलोरिक या पाइलोरिक नोड्स हैं, और ये कौन से हैं, पेंक्रियाटो ड्यूडिनल नोड्स हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर पिक्चर आपको बुक में मिल जाएगी, सिर्फ एक समझाने के लिए कि किस तरह करके सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो पहले नोड्स की तरफ जाएगी और नोड्स पर कंबाइन होकर सारे पैराएओर्टिक नोड्स में जाएंगे। देखिए यहाँ ये जो मौजूद ना, ये जो सेंटर में ये सब, ये पैराएओर्टिक है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये रेड एरो दिखाया है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे फिर थॉरेक्स में जाना है उन्होंने। ड्यूडिनम की बात करेंगे तो ड्यूडिनम में भी दो ग्रुप्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स कहाँ जाते हैं, ये पेंक्रियाटो ड्यूडिनल नोड्स में जाते हैं, ठीक है। और पेंक्रियाटो ड्यूडिनल नोड्स जो हैं वो फिर कहाँ जाएंगे, हेपेटिक में और प्री एओर्टिक में जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ड्यूडिनम के साथ पाइलोरिक नोड्स हैं, पेंक्रियाटो ड्यूडिनल नोड्स हैं, और ये मिलकर फिर हेपेटिक नोड्स। देखें एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ड्रेनेज इसकी वहां जानी है। पहले ये ड्रेन सारे यहाँ होंगी, फिर ये सारे नोड्स से डायरेक्टली ऊपर जाकर ड्रेन होता है। रीजनोमालियम की बात करते हैं, इनकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, इनके जो नोड्स हैं उनको हम लेक्टियल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मिल्की अपीयरेंस होती है। अब ये ऐसा क्यों है, इसलिए बच्चों के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वो ना सिर्फ लिम्फ को ड्रेन करती है बल्कि वो फैट को भी एब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है। और क्योंकि पता है आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो जेजुनम और आइलियम में होती है, तो फैट यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। विलाय आपको याद है ना, ठीक है, विलाय की वजह से ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। इसी वजह से यहाँ की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो मतलब फैट्स को लिम्फ एब्जॉर्ब करने की वजह से येलो येलो सा या मिल्की वाइट सा कलर होता है। जैसा आपने देखा होगा ना, जैसे क्रीम का कलर होता है या मलाई का कलर होता है, तकरीबन उस तरह के होते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक्स फैट की एब्जॉर्प्शन की वजह से, इसलिए उनको लैक्टियल्स कहते हैं। इस पिक्चर में आपको एक जनरल सारे नोड्स इकट्ठे करके दिखाए हुए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के। देखिए यहाँ पर जैसे ये स्पीरियो मेसेंटेरिक नोड्स हैं,
ठीक है, जहां पर आर्टरी होनी चाहिए थी उसके साथ साथ, फिर सुपीरियर सेंट्रल है, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं ये जो जिजनम और आइलियम वाले हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोलोन के नोड्स हैं। उसके बाद देखेंगे ये कहाँ जा रहे हैं सारे मिलकर, पैराओर्टिक में, और वहां से फिर सिस्टर्ना कैलाई में जाते हैं। ये क्या पॉइंट है, जो सिस्टर्ना कैलाई है ना, ये लंबे तकरीबन लेवल पर आ जाता है, और ये इंटेस्टाइन की सारी और बाकी जो एब्डोमेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है ना, उनकी लिम्फ रिसीव करता है, लोअर लिम्फ की भी, और वहां से फिर ये ऊपर थॉरिक्स की तरफ ले जाता है। यानी कि थॉरिक्स में जो लिम्फ आ रही है ना, वो पहले इकट्ठे होकर हेड एंड नेक और अपर लिम्फ से आ रही है, और बाकी जो नीचे रीजन की है वो सिस्टर्ना कैलाई लेकर जाकर थोरेसिक डक्ट में, जैसे स्पीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा करते हैं ना, स्पीरियर वेना कैवा हेड नेक और अपर लिम्फ से लाता है, इंफीरियर बाकी से, उस तरह यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज भी तकरीबन रहती है। ठीक है, अपेंडिक्स और सीकम की बात करते हैं, इनके अपने नोड्स हैं, इलियोकोलिक नोड्स, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल सब देख लीजिएगा इसको। कोलोन की लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसके अपने मीजोकोलिक और राइट कोलिक लिम्फ नोड्स हैं, जो कि मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में जाएंगे। यहाँ पिक्चर में देखा था ना कि ये मेसेंटेरिक लिम्फ नोड है, इसके आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं, देखिए मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स हैं ये, जो कहाँ से ला रहे हैं, कोलोन से, ठीक है, जिस तरह ब्लड सप्लाई थी ना उसी तरह ये लिम्फ भी वापस ले जा रहे हैं। फिर रेक्टम एनल कैनाल और एनस की ड्रेनेज है, ठीक है, ये कहाँ होगी सारी, इनकी अपनी हाइपोगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स हैं और सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं। जो एनस की ड्रेनेज है ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो इनके सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में होती है। तो यही वजह है कि अगर सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं तो हम एनस को भी एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और अगर हमें वहां से सोर्स नहीं मिलता तो हम लोअर लिम्ब में तो करना ही है ना, यानी कि आपको पता है ना कि जो स्पीरियम जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं वहां पर लोअर लिम्ब की भी ड्रेनेज है, ठीक है, अगर वहां पर आपको लिम्फ नोड इनलार्ज मिलते हैं तो आप लोअर लिम्ब को तो एग्जामिन करते ही हैं, लेकिन आपको साथ में एनएस को भी करना होता है, क्योंकि वहां से भी लिम्फ आ रही होती है, वहां से भी इन्फेक्टिव सोर्स आ सकता है। जिस तरह आप ब्लड फ्लो के लिए देखते हैं ना एक डायरेक्शन में, इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज के अलॉन्ग भी देखते हैं, क्योंकि उसी के अलॉन्ग इन्फेक्शन भी ट्रेवल कर सकती हैं और ट्यूमर्स भी, ठीक है, इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी एक समरी आपको दिखाई हुई है कि किस तरह सारे रीजन से लिम्फ जो है वो इकट्ठी डायरेक्ट होकर फिर पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स की तरफ जा रही है, ठीक है, जैसे देखें पैरारेक्टल जो है वो डायरेक्टली जा रही है इसकी तरफ, फिर लेफ्ट कोलिक, फिर एओर्टिक, ये सारे नोड्स जो है मेसेंटेरिक के इकट्ठे होकर ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है, एक रफ सी पिक्चर है सारी चीजों को समझने के लिए, होती वैसे से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी डायरेक्टली ड्रेन नहीं करी होती, लेकिन समझने के लिए कि इस तरह करके सारी लिम्फ ने अल्टीमेटली जो है वो पैरा एओर्टिक प्री एओर्टिक नोड्स में जाना और वहां से फिर आगे ड्रेन करना, ठीक है, ये प्लान एक बनाया हुआ है लिम्फेटिक ड्रेनेज का, ताकि आप समझ सकें रेड स्ट्रक्चर एओर्टा है, ठीक है, इंटेस्टाइन की देखें सारी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जा रही है, ये पैराओर्टिक नोड्स में सुपर ग्लैंड किडनी और गोनेट से आ रही है, ठीक है, उसके अलावा ये जो तो इंटेस्टाइन से आ रही है उसको कंबाइन करके इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक कहा है। फिर सीलिएक आ रही है सारी, यानी कि स्टमक लिवर स्प्लीन पैंक्रिया से जो आ रही थी वो सारी सीलिएक नोड्स के साथ आ रही है, ठीक है, ये जो पर्पल से आई सीलिएक नोड है, येलो वाला इंटेस्टाइन से आ रही है, और फिर ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, सिस्टर्ना कैलाई में, और वहां से फिर ये थोरेसिक डक्ट में जाकर ट्रेन करते हैं।